टू काजा सूजन, मैं हूं अभिराज कानेटकर, आपका दोस्त। आज हम लाए हैं आपके लिए द टाटा हैरियर। यस, जी हाँ, टाटा हैरियर के बारे में आपने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े होंगे, बट आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाई यू हैव फाइव रीजंस व्हाई यू शुड और शुड नॉट बाय द टाटा हैरियर। So this is not going to be a regular review, this is just going to be a comparison of its features and comfort and the looks. 5 reasons hum aapko denge jisse aapka confusion dur ho sakta hai. Let's check it out. So let's go for the drive and test this beast. What massiveness has it got? So we are on a rougher road. ये जो रोड है ये थोड़े बम्प्स थोड़े टर्न्स के साथ स्टडेड है। मैंने इसके बारे में सुना था कि इसमें थोड़ा पावर इशू है, थोड़ा परफॉर्मेंस इशू लग रहा था लोगों को। आई डू नॉट फील पावर का कहीं कमी है। इफ यू आर ड्राइविंग ऑन एन इको मोड तो वो आपको शायद महसूस होता है, बट इको मोड इज ओनली फॉर व्हेन यू आर क्रूजिंग ऑन द हाईवेज एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी आपको यहाँ पे हाईवे पे है एंड इफ यू वांट टू गो ऑन क्रूजिंग स्पीड्स द पावर इज एडिक्वेट, एंड इफ यू वांट अ पंची परफॉर्मेंस देन यू कुड स्विच ऑन द स्पोर्ट मोड। वी आर गोइंग टू टेस्ट द स्पोर्ट्स मोड इन अ व्हाइल, बट बिफोर दैट दीज आर बम्पी रोड्स एंड इसका हैंडलिंग काफी बढ़िया है। ऑल्सो कॉर्नरिंग में लेट्स चेक आउट इट्स कॉर्नरिंग नाउ। कॉर्नरिंग में इसके जो फीचर्स है, इसकी जो स्टेबिलिटी है ड्राइव की वो अच्छी है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ कॉर्नरिंग। यस, देयर इज अ स्लाइट बॉडी रोल दैट आई कैन फील, बट अगर हेक्टर से कंपेयर करें तो इसमें काफी कम बॉडी रोल है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार इज गुड, इट इज नाइस, सस्पेंशन स्टिफ है, स्टीयरिंग भी आपको थोड़ा स्टिफनेस फील होगा। आई डोंट फील इट माई सेल्फ, बट हाँ कुछ लोगों को ये स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट उसके अलावा आई थिंक ऑल एंड ऑल इट इज अ गुड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। एंड गाड़ी जो है सस्पेंशन स्टिफ होने के कारण से ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको काफी हेल्प कर सकती है। After driving this car, we feel that stability के मामले में कोई compromise नहीं है Tata की कार में। And यहाँ पे ये थोड़ा जो steering है वो hard लग सकता है, but इसके size ratio के हिसाब से it is quite nice. And suspension थोड़ा stiff है, but bumpy roads में ही आपको वो stability देता है, वो refinement देता है, तो इसीलिए suspension stiff होना एक अच्छी बात है। Also one more thing, there is a slight body roll that I felt, but अगर Hector से compare करें या इसके बाकी rivals से, तो उसके comparison में काफी कम body roll है। तो performance के हिसाब से it is a good point. Performance के basis पे ये car buy कर लेनी चाहिए आपको। कुछ power में अगर आप eco mode में है तो आपको ऐसा feel हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे power थोड़ा और चाहिए था for performance, but अगर आप sport mode में जाते हो तो इसका power जो गजब आता है। No compromise on the power if you are going on the sport mode. तो हम आ चुके हैं टाटा हैरियर की सेकेंड रो में। यस, रीजन नंबर टू जो है वो है इस गाड़ी की स्पेसिंग। ये गाड़ी के डायमेंशंस ऑलमोस्ट एक 7-सीटर एसयूवी के डायमेंशंस के हैं, फिर भी ये 5-सीटर ऑफरिंग में आती है। That means you get more space in the car. जी हाँ, आप देख सकते हैं I am on the second row and यहाँ पे तीन लोग जो है वो आराम से लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। This is very spacious second row cabin. And अगर आप देखें तो जिनको पता ना हो मेरी हाइट 6 feet है, मेरे ही हाइट के हिसाब से एक 6 feet के हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्टेड है। फिर भी अगर एक्सैक्ट उसके पीछे मैं बैठूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम। यहाँ पे नीचे भी पैर चले जाता है फॉर मोर कंफर्ट। एंड अगर हेडरूम की बात करूं तो यस आई हैव गुड हेडरूम। दिस हेडरेस्ट इज ऑल्सो क्वाइट वेरी कंफर्टेबल एंड इसमें बिल्कुल भी मुझे स्पेसिंग का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो दिस कार हैज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द पीपल। नाउ व्हाट अबाउट द स्टोरेज स्पेसेस? जी हाँ, इस कार में स्टोरेज स्पेस भी काफी अच्छा एंड काफी स्मार्टली डिजाइन है। आपको हर एक डोर में मिल जाएगा एक बॉटल होल्डर एंड एक फोन रखने की जगह। ऑल्सो आगे के साइड पे हम देखेंगे कि केबिन में आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है वो भी काफी अच्छा बड़ा सेक्शन ग्लव बॉक्स मिलता है। तो स्पेस के बारे में ये कार जो है अपने राइवल से कहीं आगे चली जाती है एंड आपको इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैरियर के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 425 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि अपने राइवल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रूमी नहीं लगता है, बट ये काफी बड़ा है। एंड इसका जो टेल गेट है वो काफी आसानी से खुल जाएगा। थोड़ा हेवी जरूर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट वुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल दिस इज नॉट बैड। दिस इज अ क्वाइट स्मूथ टेल गेट एंड आप देख सकते हैं मेरा काफी सारा सामान जो है वो पीछे आ चुका है। पर अगर आपको बूट और ज्यादा बढ़ाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सीट जो है वो 60-40 फ्लैट फोल्ड हो जाती है, जो आपको बूट स्पेसिंग में आसानी कर देगा। जी हाँ,
सो अब हम देखने वाले हैं इसके एक बहुत ही बढ़िया एंड दिल लुभा देने वाले फीचर को। कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एंड फाइव सीटर या बड़े एसयूवीज में भी एक बहुत ही हार्ड कैचिंग फीचर होता है जो इंडियन पब्लिक को बहुत पसंद है, वो है सनरूफ। टाटा हैरियर आपको देगा एक पैनोरामिक सनरूफ व्हिच वी आर गोइंग टू ओपन अप नाउ। ओह वाओ, अब ये सनरूफ यहीं पे नहीं रुक जाएगा, इट इज अ बिग मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। तो ये जो पैनोरामिक सनरूफ है एंड ये हो चुका है वाइड एरी। Can you feel the breeze? Because I sure can. तो ये जो सनरूफ है वो आपके अंदर कार में एयर आएगा, लाइट आएगा, नेचर का फील आएगा, पर एक चीज नहीं आएगी जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया। आप इस केबिन में बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील करेंगे। इवन इफ आप पीछे बैठे हो तो भी ये सनरूफ काफी पैनोरामिक है जिसकी वजह से आपको एक काफी एयरी स्पेस मिल जाती है। इसी के साथ साथ टाटा हैरियर ऑफर करती है JBL का बहुत ही पावरफुल म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ, इसका म्यूजिक आउटपुट काफी पंची है। इसके चार स्पीकर, चार ट्वीटर्स, एक सबवूफर एंड एक एम्पलीफायर साथ। तो अगर तारों की चादर के नीचे इच्छा हो पुराने गाने सुन के कुछ सुकून के पल बिताने की, ये आपको देगी टाटा हैरियर। रीजन नंबर 4 जो है वो है सेफ्टी। जी हाँ, ये तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि टाटा की कार जो है वो इंडिया में वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स के लिए मानी जाती है। टाटा मोटर्स सेफ्टी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हालांकि इस गाड़ी का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो हम इसके एनकैप रेटिंग्स नहीं आपको दे सकते, बट द थिंग इज इसके जो सेफ्टी फीचर्स है उसे देख के लगता है इस कार में भी सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा हिल असिस्ट, ऑटो डिमिंग, IRVM, 6 एयरबैग्स, ऐसे अलग अलग फंक्शंस जो इस कार को काफी सेफर एंड स्टर्डियर बनाते हैं। ऑल्सो ये कार जो है वो एक काफी ड्राइव के वक्त ग्राउंड टच रहती है तो एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है व्हाइल इट्स ब्रेकिंग। ऑल्सो एक छोटी सी चीज जो है वो है कि इतना मस्क्यूलर एंड मैसिव कार जो है उसको ब्रेकिंग के लिए ज्यादा ब्रेकिंग पावर भी चाहिए। तो इसके रियर व्हील्स जो है उसमें अगर डिस्क ब्रेक होता तो थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी का फील आ जाता, बट इसका ब्रेकिंग ऐसे कॉम्प्रोमाइज लगता नहीं है मुझे। बट दिस वॉज जस्ट अ फीचर दैट आई वॉन्टेड टू शेयर इट आउट। बाकी टाटा की कार्स की जैसे ही ये कार भी काफी सेफ है एंड इसका क्रैश टेस्ट के बाद यू विल डेफिनेटली गेट ऑल इट्स रेटिंग्स and we are quite sure about the safety of the car. So, hamara fifth reason, which is last but not the list, is called the looks. Ji haan, देखिए जरा इस गाड़ी को। ये जो है इट इज प्योर शियर ब्यूटी इन इट्स डिजाइन, चाहे इसके इलेक्ट्रॉनिक ORVMs हो या आगे के व्हाइट LED DRLs। ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से एक पैकेज है डिजाइन का एंड ब्यूटी का। आप साइड प्रोफाइल में देखिए तो इस गाड़ी के प्रोपोर्शन में, इस मैसिव गाड़ी के प्रोपोर्शन में आपको मिल जाते हैं 17-inch alloy wheels जो कि काफी प्रोपोर्शनेट लगते हैं एंड इसको ऑफ रोडिंग का भी अच्छा बीट चांस देते हैं। एंड अगर आप इसके डिजाइन एंड शेप की बात करें तो आपने देखा होगा कि बाकी 5-seater SUV से टाटा हैरियर थोड़ी अलग लगती है, थोड़ी बल्की लगती है, थोड़ी मैसिव लगती है। ऐसा क्यों? इसका रोड परफॉर्मेंस या इसका रोड प्रेजेंस जिसको बोलते हैं वो इतना ज्यादा क्यों है, उसका रीजन आज हम आपको बताएंगे। ये टाटा हैरियर जो है वो ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। इस प्लेटफॉर्म पे लैंड रोवर, डिस्कवरी स्पोर्ट्स ऐसी गाड़ियां बनाई जाती है। अगर बाकी 5-seater SUVs के साथ कंपेयर करें तो वो 5-seater SUVs हैचबैक प्लेटफॉर्म को लेके एक्सटेंड करके बनाई जाती है, बट ये गाड़ी जो है वो ऑलरेडी बड़े SUV के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। दैट्स व्हाई इसका जो रोड प्रेजेंस है एंड जो लुक है, जो डेविलिश मैस्कुलाइन शेड है इसका, वो आपको लुभाएगा। सो लुक्स के बारे में मेरी तरफ से इस कार को 515 मिल जाते हैं इन इट्स रेंज एंड इट इज वे अहेड फ्रॉम इट्स राइवल्स। आइए अब जानते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या थोड़ी छोटी सी कमियां लग सकती है। सो वी आर गोइंग टू सी व्हिच आर द रीजंस फॉर व्हिच यू शुड नॉट बाय एंड मे बी वेट फॉर द न्यू एडिशन और द न्यू जनरेशन ऑफ टाटा हैरियर। सो लेट्स सी, कौन नंबर वन जो मुझे लगता है वो है कि टाटा हैरियर जो इतनी मैस्कुलिन एंड बैडास लगती है, उसी के साथ साथ ये एक ऑफरोडर जैसा लुक देती है। बट दिस इज नॉट अ फोर व्हील ड्राइव। यस, फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन टाटा हैरियर में अभी तक नहीं आया है। वी कुड होप दैट वी कुड गेट अ फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन, बट इसकी राइड क्वालिटी में अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो या हाईवे पे तो इतना डिफरेंस आपको नहीं फील होगा, आपको उतना परफॉर्मेंस डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जी हाँ, अगर आप ऑफरोडिंग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो फॉर एन एडवेंचरस राइड, एंड वो एक छोटी सी कमी आपको खलती रहेगी ऑफ द फोर व्हील ड्राइव। सो दैट इज रीजन नंबर 1, टाटा हैरियर शुड हैव अ फोर व्हील ड्राइव। प्रॉब्लम नंबर 2 जो इस कार में आपको शायद लगेगा, वो प्रॉब्लम यहां पे छुपा हुआ है। इस कंपार्टमेंट में वो प्रॉब्लम की जड़ें हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट प्लीज। देखिए क्या है इस कंपार्टमेंट में।
डीजल। टाटा हैरियर आपको सिर्फ डीजल ऑप्शन में ही अवेलेबल रहती है, इसमें कोई पेट्रोल ऑफरिंग नहीं है, जो कि शायद मुझे लगता है कि टाटा के नेक्स्ट जनरेशन में वो ऑप्शन हट जाएगा। आई हैव द न्यूज दैट इन हाउस रिसर्च चल रहा है फॉर टाटा हैरियर 1.6 पेट्रोल इंजन ऑल्सो, तो नेक्स्ट जनरेशन टाटा हैरियर में आपको पेट्रोल ऑप्शन भी मिलने की जायज गुंजाइश है। आप देख सकते हैं कि टाटा हैरियर जो है वो एक काफी मैसिव लुकिंग कार है, तो ऑब्वियसली इसका टेल गेट भी जो है वो रेगुलर से थोड़ा ज्यादा हैवी रहने वाला है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज पीपल है, या तो फिर इफ किड्स और यंग एडल्ट्स वांट टू ओपन द टेल गेट अप, इट कुड बी अ बिट हैवियर। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। ऑल्सो इस बीस्ट को रोकने के लिए यू नीड मोर स्टॉपिंग पावर। ऑल्सो इस बीस्ट को रोकने के लिए रियर व्हील्स में डिस्क ब्रेक की जरूरत मुझे थोड़ी सी लगती है, थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाता। बट एज यू कैन सी देयर इज नो रियर डिस्क ब्रेक इन हियर, वेयर एज इसके बड़े भाई सफारी में ये दोनों चीजें अवेलेबल है। प्रॉब्लम नंबर 4 इन दिस कार इज जस्ट इन द केबिन, लेट्स चेक इट आउट। ये जो आपको बड़ा सा यहाँ पे पैनल जैसा दिखता है उसके अंदर स्क्रीन सिर्फ इतना सा है। जी हाँ, ये जितनी कार बड़ी है बाहर से उतना ही छोटा है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम, दिस कुड हैव बीन अ बिट बिगर एंड दैट इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन। ऑल्सो द एर्गोनॉमिक्स ऑफ द कार इज नॉट वेरी सैटिस्फैक्ट्री, इसके राइवल्स इस चीज में बाजी मार जाते हैं बिकॉज दे हैव मच बेटर एर्गोनॉमिक्स एंड द इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि इस कार के जो टच स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो काफी ही माइन्यूस्क्यूल है। इसके कॉम्पिटिटर राइवल्स जो है, जैसे कि आपके पास है क्रेटा या तो फिर आप हेक्टर की बात करें, तो उनका टच स्क्रीन जो है वो एटलीस्ट 10 इंच का आता है। बट दिस हैज अ वेरी स्मॉल 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं है। द रिस्पॉन्स कैन यू सी इट इज वेरी लैगी, सी आई डू नॉट लाइक द फील ऑफ इट, वो स्मूथनेस नहीं है, वो रिफाइनमेंट कहीं ना कहीं पे इसमें नहीं है। तो इस एक चीज में आई कुड होप कि टाटा मोटर्स जो है वो थोड़ा अपना मैन पावर लगाए एंड दे शुड मेक इट बेटर। ऑल्सो वन मोर पॉइंट इज कि वैसे इसका एक्सटीरियर डिजाइन काफी अच्छा है, बट इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सी फर्स्ट थिंग इज दिस कार इज ओनली कमिंग इन मैनुअल ऑप्शंस, देयर इज नो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हियर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ आई ट्राई टू प्रेस द क्लच, ये जो पैनल है ये मेरे नी के साथ यहाँ पे दिस स्लैशेस अवे। द सेकंड थिंग इज कि ये जो ड्राइवर साइड का आर्म रेस्ट है, दिस इज नॉट एडजस्टेबल, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेबल इट इज प्रैक्टिकली व्हाइल ड्राइविंग ऑलमोस्ट अनयूज। ये जो चीज है दिस इज द हैंड ब्रेक, तो ये यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ये थोड़ा एर्गोनॉमिक्स के बारे में और बेटर किया जा सकता था इस गाड़ी में। फिफ्थ एंड द फाइनल कॉन दैट दिस कार प्रोवाइड्स अस विद इज कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पे फील होता है कि अगर आप 14 से 20 लाख की रेंज की गाड़ी लेते हैं तो इस प्राइस रेंज में द कार शुड बी फीचर रिच। इसका बाहर का एक्सटीरियर डिजाइन जितना मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न लुक देती है, ये रेंज रोवर जैसा फील करवाती है आपको। बट जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आ जाते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट अगर मैं 14 से 20 लाख भर रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो आई एक्सपेक्ट इट टू हैव सम बेसिक फीचर्स व्हिच इट राइवल कॉम्पिटिटर हैज। जैसे कि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं है। अभी ये जो फीचर है वो इसके प्राइस रेंज के थोड़ा नीचे वाली कार्स में भी आने लगे हैं। सो आई थिंक टाटा मोटर्स कुड हैव डन इट बेटर हियर। आल्सो इट कुड हैव हैड वेंटिलेटेड सीट्स और अ कूल्ड ग्लव बॉक्स या पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऐसे बहुत सारे फीचर्स की लिस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे फीचर्स होने ही चाहिए, बट दीज आर सम फीचर्स व्हिच आर वेरी मेनस्ट्रीम एंड इसमें से कुछ तो फीचर्स टाटा इंक्लूड कर सकता था। ये एक मेरा कंप्लेंट रहेगा टाटा मोटर्स से कि इतनी बेहतरीन गाड़ी को इतना ओल्ड स्कूल क्यों बनाया गया है। थोड़े मॉडर्नाइज फीचर्स कुड हैव गिवन जिसको बोलते है चार चांद टू द कार। सो ये थी हमारी वीडियो गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है और अगर आपको कुछ अलग सीखने को मिला है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे अलग अलग तरीके से आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। दिस वॉज नॉट अ रेगुलर रिव्यू वीडियो, दिस वॉज रिव्यू ऑफ टाटा हैरियर डार्क एडिशन, बट विद अ स्मॉल ट्विस्ट। हम कंटेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग अस। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। एंड अगर आप अपने वीडियोस को ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो, आपकी कोई कार्स है जिनके बारे में आपको ऐसा वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियोज विद एवरीवन दैट यू लाइक। वी आर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस ऑन सोशल मीडिया वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, एंड उस पर हम लोग डेली पोस्ट डालते रहते हैं बाय द पेज ऑफ कार जासूस। ऑल्सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.carjasoos.com। यहाँ पे आपका वन स्टॉप शॉप है फॉर कार बाइंग। हम यहाँ पे आपको बेस्ट डील्स देंगे एंड नॉट ओनली ऑन न्यू कार्स,
बट ऑल्सो ऑन कार लोन्स, ऑन इंश्योरेंस. तो हमको आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अबाउट द कार बाइंग. सो दिस इज अस कार जासूस इन्वाइटिंग यू टू कम चेक आउट आवर वेबसाइट एंड अपना कार बाइंग का एक्सपीरियंस एंड पूरा नजरिया अबाउट बाइंग द कार चेंज कर सकते हैं आप हमारे यहाँ पे आके. ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर कार एंथुजियास्ट या और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में नई नई चीजें जानना चाहते हैं, तो वी पोस्ट ब्लॉग्स देयर, वी हैव डिस्कशंस, वी हैव कमेंट्स. सो कम चेक अस आउट एट www.carjasus.com. सो आज के लिए इतना ही. ये थी हमारी वीडियो गाइज. दिस इज अविराज कानटकर साइनिंग ऑफ. हसल ऑफ ईस्टर. बाय बाय. टिल देन नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड कीप ड्राइविंग.